हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें 2021 के यूजीएटी के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं बीकॉम को और पीजीएटी के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं एमकॉम को। आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एमसीक्यूज की सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉक टेस्ट पार्ट 4। हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने वो वीडियोज देखे नहीं है तो पहला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हम हर रोज जीएस की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। जैसे यूजीएटी के एग्जाम के लिए 25 क्वेश्चंस जीएस के पूछे जाते हैं और पीजीएटी में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप जीएस के भी वीडियोज को मिस ना करें। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर साहिल रॉय है और मैंने खुद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीकॉम, एमकॉम और पीएचडी की डिग्री हासिल की है। 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें 3 साल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में खुद पढ़ा है मैंने। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। हमारे एक और चैनल है साहिल रॉय व्लॉग्स, जिसमें पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके बहुत सारे कंटेंट्स अपलोड किए जाते हैं, तो अगर हो सके तो इसको भी सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर डॉट साहिल रॉय हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज के मॉक टेस्ट की। अ पे ऑफ स्केड्यूल फॉर अ लोन इज नोन एज। किसी भी लोन को जब हम पे ऑफ करते हैं तो वो जो टाइम पीरियड होता है, जो स्केड्यूल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन अ मॉर्गेज, दूसरा ऑप्शन एन इंटरेस्ट स्केड्यूल, तीसरा ऑप्शन अ प्रिंसिपल और चौथा ऑप्शन एन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ पे ऑफ स्केड्यूल फॉर अ लोन इज नोन एज एन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है द इंटरेस्ट रेट यूज्ड टू डिस्काउंट द कैश फ्लो एसोसिएटेड विद अ बॉन्ड इज। ऑप्शन ए द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फर्म्स इक्विटी, ऑप्शन बी द यील्ड टू मैच्योरिटी, ऑप्शन सी द प्राइम रेट, ऑप्शन डी द गवर्नमेंट टी बिल रेट। टी बिल मतलब ट्रेजरी बिल होता है दोस्तों, तो जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल होती है उसकी बात की जा रही है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है द इंटरेस्ट रेट यूज टू डिस्काउंट द कैश फ्लोस एसोसिएटेड विद अ बॉन्ड्स इज द यील्ड टू मैच्योरिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन If the yield to maturity changes, the effect will be greatest on. अगर yield to maturity अगर वो change होता है तो इसका सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ता है? पहला option long term bonds, दूसरा option short term bonds, तीसरा option government bonds, चौथा option the effect will be the same for all bonds. दोस्तों, इस question का सही answer है option A. लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। इफ द यील्ड टू मैच्योरिटी चेंजेस द इफेक्ट विल बी ग्रेटेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। और दोस्तों, अगर आपको डिवेंचर्स और बॉन्ड्स के बीच में डिफरेंस नहीं मालूम, जबकि डिफरेंस होता है, तो कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अ शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक मे बी थॉट ऑफ एज अ परपेचुइटी an annuity, the present value of a perpetuity, the present value of expected future dividends. दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड्स। द वैल्यू ऑफ अ शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक मे बी थॉट ऑफ एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ डेट इज मेजर्ड बाय। जो कॉस्ट ऑफ डेट है उसे किसके द्वारा मेजर किया जाता है? द यील्ड टू मैच्योरिटी ऑन द फर्म्स बॉन्ड्स, द कूपन रेट ऑन द फर्म्स बॉन्ड्स, द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है द यील्ड टू मैच्योरिटी ऑन द फर्म्स बॉन्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द कॉस्ट ऑफ डेट इज मेजर्ड बाय द यील्ड टू मैच्योरिटी ऑन द फर्म्स बॉन्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन द लीस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग फॉर द फर्म इज। जो सबसे सस्ता और सबसे कम खर्चा हुए
जो फाइनेंसिंग का सोर्स है फर्म के लिए वो क्या है? पहला ऑप्शन एग्जिस्टिंग कॉमन स्टॉक, दूसरा ऑप्शन प्रेफर्ड स्टॉक, तीसरा ऑप्शन डेट्स, चौथा ऑप्शन न्यू कॉमन स्टॉक। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द लीस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग फॉर द फर्म इज डेट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों जब फाइनेंशियल मार्केट से कोई भी कंपनी पैसे लेती है, रेज करती है, फंड रेज करती है, तो उसके लिए सबसे सस्ता पड़ता है डेट्स और सबसे महंगा पड़ता है शेयर्स। ठीक है, तो मोस्ट एक्सपेंसिव इज इक्विटी शेयर्स एंड लीस्ट एक्सपेंसिव इज बेसिकली डेट्स। हमारा अगला क्वेश्चन, एज मोर एंड मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड बाय द फर्म द कॉस्ट ऑफ ईच कॉम्पोनेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्रीज। दीज इंक्रीमेंटल चेंजेस आर मोस्ट करेक्टली रेफर टू एज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है एज मोर एंड मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड बाय द फर्म। हर फर्म को ज्यादा से ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। द कॉस्ट ऑफ ईच कॉम्पोनेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्रीजेस। ठीक है, दीज इंक्रीमेंटल चेंजेस में आर मोस्ट करेक्टली रेफर टू एज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वाइडली यूज मेथड्स फॉर इवेलुएटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एक्सेप्ट पे बैक पीरियड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वाइडली यूज मेथड्स फॉर इवेलुएटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एक्सेप्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग कैपिटल राशनिंग एक्सेप्ट। पहला ऑप्शन, इट प्लेसेस ऑन आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन फंड्स दैट मे बी इन्वेस्टेड। दूसरा, इट मे रिजल्ट आउट ऑफ अ फियर ऑफ ग्रोथ। तीसरा, इट मे रिजल्ट आउट ऑफ अ हेजिटेशन टू यूज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स। और लास्ट, इट विल हेल्प द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इट विल हेल्प द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मनी मे बी डिफाइंड एज अ वेटेड एवरेज ऑफ आउटकम्स टाइम्स देयर प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन बी, द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द आउटकम्स। ऑप्शन सी, द मीडियन वैल्यू ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स। ऑप्शन डी, अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन और वेरिएबिलिटी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मनी मे बी डिफाइंड एज अ वेटेड एवरेज ऑफ आउटकम्स टाइम्स देयर प्रोबेबिलिटी। समय के हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी के जो आउटकम्स है ना, जो बढ़ घट सकता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू वही होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, द की टू सिमुलेशन एनालिसिस हैज बीन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर, रिस्क एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट्स, द अबिलिटी टू क्लासिफाई इन्वेस्टमेंट्स एज टू देयर रिस्क क्लास। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, द की टू सिमुलेशन एनालिसिस हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, मार्केट कंप्राइज्ड ऑफ सिक्योरिटीज विथ मेच्योरिटीज ऑफ वन ईयर और लेस आर जनरली रेफर्ड टू एज मनी मार्केट्स, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट। दोस्तों ये तो इजी क्वेश्चन है, इसे कहते हैं ऑप्शन ए मनी मार्केट, जहां पे एक साल से कम समय के लिए आप मनी रेज करते हो, लेते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मनी मार्केट कहते हैं। मनी मार्केट कंप्राइज्ड ऑफ सिक्योरिटीज विथ मेच्योरिटीज ऑफ वन ईयर और लेस आर जनरली रिफर्ड एज मनी मार्केट, राइट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक है, जो प्रेफर्ड स्टॉक है उसका मेजर डिसएडवांटेज क्या है। पहला ऑप्शन, कॉमन स्टॉक डिविडेंड्स हैव अ हायर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। दूसरा ऑप्शन, डिविडेंड्स आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल। तीसरा ऑप्शन, देयर इज नो सेकेंडरी मार्केट फॉर प्रेफर्ड स्टॉक। और आखिरी ऑप्शन, द प्रेफर्ड डिविडेंड मे वैरी ग्रेटली ईयर टू ईयर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेजर डिसएडवांटेज ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज डिविडेंड्स आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन, ऑर्गेनाइज सिक्योरिटीज मार्केट्स एग्जिबिट ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट लिस्टिंग ऑन नेशनल एंड रीजनल एक्सचेंजेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऑप्शन बी, ईच एक्सचेंज हैज अ सेंट्रल लोकेशन वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑकर्स।
ऑप्शन सी ब्रोकर्स रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल बायर्स एंड सेलर्स, ऑप्शन डी सिक्योरिटीज आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड विद द अप्रूवल ऑफ द ब्रॉड गवर्नर्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑर्गेनाइज सिक्योरिटीज मार्केट एग्जिबिट ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट लिस्टिंग ऑन नेशनल एंड रीजनल एक्सचेंजेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस द प्राइस ऑफ अ स्टॉक फॉर द फर्म गोइंग पब्लिक बाय वे ऑफ एन आईपीओ। आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जहां पे प्राइमरी मार्केट में जाकर के, देखिए मार्केट दो तरीके की होती है, एक होता है प्राइमरी मार्केट एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में हमेशा आईपीओ होता है जहां पे जब भी शेयर ट्रेड किया जाता है तो पूरा का पूरा पैसा कंपनी को जाता है और उसके बाद जब कस्टमर्स आपस में ट्रेड करते हैं तो सेकेंडरी मार्केट में करते हैं जिसका कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं आता। तो इन्होंने बोला ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस द प्राइस ऑफ अ स्टॉक फॉर द फर्म गोइंग पब्लिक बाय वे ऑफ एन आईपीओ एक्सेप्ट द प्रीवियस शेयर प्राइस एन इन डेप्थ कंपनी एनालिसिस द पीई रेशियो, ठीक है, फॉर सिमिलर फर्म्स इन द इंडस्ट्री एंड द लास्ट वन इज एंटिसिपेटेड पब्लिक डिमांड। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है All of the following influences the price of stock for the firm going public by way of an IPO except the previous शेयर प्राइस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पिछली बार किस प्राइस पे दिया था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन गोइंग पब्लिक ऑफर्स द फर्म मेनी ऑफ द एडवांटेजेस लिस्टेड बिलो विद द एक्सेप्शन ऑफ, पहला ऑप्शन सिक्योरिटी मार्केट्स मे बी टैप्ड फॉर अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ फंड्स, दूसरा ऑप्शन द प्रेस्टीज ऑफ अ पब्लिक सिक्योरिटी मे हेल्प इन बैंक negotiations, ऑप्शन सी मार्केटेबल सिक्योरिटीज मे बी यूज फॉर acquisitions, एंड ऑप्शन डी देर इज लेस प्रेशर फॉर शॉर्ट टर्म profits। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी देर इज लेस प्रेशर फॉर शॉर्ट टर्म profits, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा विथ सिक्योर्ड क्लेम स्पेसिफिक असेट्स आर प्लेज्ड इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, अ डिवेंचर एग्जिस्ट, the lower the value of the initial security, pledged assets are often sold off and the proceeds distributed। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है with a secured claim specific assets are pledged in the event of default, option A is the correct answer for the given question। And the last question, question number 80 है हमारे सामने, वो कह रहा है कि which of the following is a benefit of debt to the firm, interest and principal obligations are contractually set, interest payments are tax deductible, indenture agreement provides the firm with no restrictions, and the last one is used beyond a certain point debt will decrease the cost of capital। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी interest payments and tax deductible is a benefit of debt to the firm, option B is the correct answer for the given question। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है अंडर अ प्री एम्पटिव राइट प्रोविजन, पहला ऑप्शन होल्डर्स ऑफ कॉमन स्टॉक मस्ट बी गिवन द फर्स्ट ऑप्शन टू परचेज न्यू शेयर्स, ऑप्शन बी कॉमन शेयर होल्डर्स हैव अ प्री एम्पटिव राइट टू डिविडेंड्स, ऑप्शन सी प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स हैव द फर्स्ट ऑप्शन ऑन द न्यू कॉमन शेयर्स, ऑप्शन डी डायल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग पोजिशन इज एनकरेज्ड। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडर अ प्री एम्पटिव राइट प्रोविजन होल्डर्स ऑफ कॉमन स्टॉक मस्ट बी गिवन द फर्स्ट ऑप्शन टू परचेज न्यू शेयर्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।